आपका मेरे चैनल पे टेस्टी हेल्दी फूड बाय जोशी में। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेसन चूरमा लड्डू की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है, घर पर झटपट से बन जाती है। तो आज मैं वो बताने वाली हूँ आपको। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। पहले स्टेप वन में हम क्या क्या करने वाले हैं उसके लिए इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने बेसन ली है, बेसन को मैंने 3 कप बेसन लिया है, इस कप से मैंने मेजरमेंट करके। और यहाँ मैंने लिया है घी, ये हमें आटा गूंदने के लिए चाहिए रहेगा। और यहाँ मैंने लिए सेमोलिना यानी कि सूजी, ये भी मैंने 2 कप लिया इस कप के मेजरमेंट से। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं बेसन चूरमा लड्डू। सो गाइस, सबसे पहले हम बेसन में ये अपनी जो सेमोलिना है ये मिक्स कर देंगे, जो कि हमने 2 कप्स ली थी सेमोलिना। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेसन के साथ। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालने वाले हैं घी। तो ये मिक्स हो गई हमारी, अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून घी, जो कि मैंने घर पे ही बनाया है। दो, तीन और ये 4 टेबल स्पून हमने इसमें घी डाल लिया है। अब इसको अच्छे से इस पूरे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स करना है घी को। पहले हमने 4 टेबल स्पून ही डाला है, पहले इसको हम अच्छे से मिक्स करके देखेंगे, अगर इसमें ज़रूरत लगी तो इसमें हम और घी डाल लेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं घी को। तो गाइस देखिए, मैंने घी के साथ ये पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून घी और डाला था बाद में, क्योंकि मुझे कम लगा था। तो देखिए गाइस, घी इतना होना चाहिए कि आपके यहाँ पे ऐसे गोले बनने शुरू हो जाएं, जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिए, तो आपको इतना इसमें घी डालना है। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है घी को पूरे मिक्सचर में। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के इसको, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना गाइस, बिल्कुल वैसे ही करना है, बट इसको हमें थोड़ा सा सख्त गूंदना है। तो हम थोड़ा थोड़ा वाटर करके ही इसमें डाल के डो गूंदेंगे। तो देखिए गाइस, थोड़ा थोड़ा वाटर मैंने ऐड करके ये डो बना लिया। और ये देखिए गाइस, इतना सख्त आपको गूंदना है। ये देखिए गाइस, ये बिल्कुल भी उंगली अंदर नहीं जा रही, मीन्स ये इतना ही हार्ड आपको गूंदना है। और देखिए गाइस, यहाँ मैंने फुल ग्लास वाटर लिया था और हमारा हाफ यूज हुआ और इतना रह गया। तो गाइस, आपको इसमें अंदाजा हो जाएगा, इसमें वाटर मैंने बहुत ही कम डाला है और इतना सख्त सा मैंने डो बना लिया है। अब इसको हम रेस्ट करने देंगे 10 मिनट्स के लिए। तो देखिए गाइस, 10 मिनट्स हो गए थे डो को रेस्ट करते हुए। इन बिटवीन मैंने कुछ ऐसी ये बना ली है, जैसे मठरी हम बनाते हैं। तो मैं बता देती हूँ ये मैंने कैसे बनाई है। थोड़ा सा डो लेके, आप चाहे किसी भी साइज का डो ले सकते हैं। इसको हम तलने वाले हैं, तो आप हो सके तो पतला ही बनाइए ताकि ये कच्चे ना रहें अंदर से। तो पहले राउंड शेप में बनाने के बाद आपको इसको प्रेस करना हैंड से। ये देखिए गाइस, ऐसे प्रेस करते करते आपको ये बना लेना है। मेक श्योर सेंटर से पतला रहे, अदरवाइज साइड से तो आपका पक जाएगा बट सेंटर से कच्चा रह जाएगा। तो देखिए गाइस, ऐसे ही है सारे मैंने बनाई हैं। तो ऐसे ही करते करते हम रेस्ट के डो में जितना है ऐसे ही हम बना लेंगे मटरी की साइज में, उसके बाद ही हम इनको फ्राई करने वाले हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल रख लिया है गरम करने के लिए, इसी में हम फ्राई करेंगे जो हमने डो में से मटरियाँ बनाई थी। तो ऑयल भी हमारा ऑलमोस्ट गरम हो चुका है। अब एक एक करके हमने ये जो डो से मटरी साइज की बनाई थी ना गाइस, अब ये एक एक करके हम इसमें डालने वाले हैं फ्राई करने के लिए। और मेक श्योर जो आपका ऑयल है वो मीडियम हॉट हो। मीडियम से करते करते स्लो गैस में हमें इनको अच्छे से फ्राई करना है, इवनली इसको कुक करना है। तो गाइस, एक तरफ से ये अच्छे से क्रिस्पी हो गई थी तो दूसरी तरफ मैंने फ्लिप कर ली थी। तो देखिए गाइस, अब ये पूरी तरीके से अच्छे से फ्राई हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिए, ये गोल्डन ब्राउन इसमें कलर आ चुका है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे कढ़ाई में से, ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो देखिए गाइस, डोम में से एक एक करके मैंने जो मटरी बनाई थी उन सबको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। अगर आप देख रहे हैं बीच में से ये क्रैक हुए हैं तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। वैसे भी हम इसको ग्राइंड करने वाले हैं, जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगी तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। क्योंकि हमने सख्त गूंदा था आटा, इस वजह से हमारी जो मटरियां हैं वो
बीच में से ब्रेक हुई है। तो गाइस पहले इसको रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं, फिर इसको ग्राइंड कर। तो देखिए गाइस जितनी हमने मठरी बनाई थी उन सबको हमने ग्राइंडिंग मशीन में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए गाइस इतना मैंने ये बारीक ग्राइंड कर लिया है। इसमें हमने अभी कोई स्वीटन ऐड नहीं किया है। अब इसके लिए गाइस हम चाशनी बनाने वाले हैं। तो देखिए गाइस चाशनी बनाने के लिए 1 कप वाटर मैंने पैन पर रख लिया है गर्म होने के लिए, और इसी में हम 1 कप शुगर भी डालने वाले हैं। शुगर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसी में मैं एक दालचीनी का स्टिक डालने वाली हूँ, इसमें इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। आपको ये पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब बस हमको शुगर को मेल्ट करना है, इसको ज़्यादा थिक नहीं करना है। जैसे हम 1 तार या 2 तार की चाशनी बनाते हैं वैसे नहीं बनाना है, सिर्फ इसको सिंपली मेल्ट करना, थोड़ा सा इसको थिक रखना है। तो देखिए गाइस कुछ ही मिनट्स में हमारी जो शुगर है वो वाटर के साथ अच्छे से डिजोल्व हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। बस इसको हमें थोड़ा सा और थिक करना है, 1 से 2 मिनट हम और पकाएंगे और फिर ये रेडी हो जाएगी। उसके बाद हम इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। तो जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगा तभी हम इसको अपने मिक्सचर में डालने वाले हैं। तो बस 1 से 2 सेकेंड के लिए और पकाऊंगी और उसको मैं बंद कर लूंगी रूम। तो गाइस जब तक हमारी जो चाशनी है वो रूम टेम्परेचर पे आती है तब तक हम इस मिक्सचर में कुछ चीजें और इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ आलमंड्स चॉप किए हैं, वो मैं इसमें डाल दूंगी। कुछ इसमें मैं मगज डालने वाली हूँ, ये मैं सारे डाल दूंगी। और कुछ यहाँ पे मैंने लिया, मैंने पम्पकिन सीड्स लिए हैं, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें मैं अब ऐड करूंगी ये है ग्रीन इलायची, वो भी मैं 1 टेबल स्पून डाल दूंगी इसमें पूरा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद ही इसमें हम अपने जो चाशनी है वो डालेंगे। देखिए गाइस चाशनी भी मेरी रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, उसको मैंने यहाँ ग्लास में भर लिया है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सचर में डालूंगी बाइंडिंग के लिए। तो इसको मैं स्पून की मदद से पहले मिक्स कर लूंगी, और जैसे ही लगेगा कि ये बाइंडिंग होने लगा है तब फिर हम हाथ की मदद से ही इसको बनाना शुरू करेंगे। तो इसमें अब थोड़ा सा और लगेगा। अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसको। इसमें अभी थोड़ी सी चाशनी मुझे लग रहा है और जाएगी, तो इसमें और थोड़ा सा मैं डाल लेती हूँ, तो साइड्स में भी डाल लूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मुझे लग रहा है ये बाइंडिंग हो जाएगी, इतने से इनफ रहेगा। तो मैं हाथ से इसको मिक्स कर लेती हूँ। गाइस हाथ की मदद से अच्छे से मैंने ये मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके लड्डू बनाने वाली हूँ, तो एक मैं आपको बता देती हूँ बना के। देखिए ये इतना इजीली हमारा एक लड्डू बनकर रेडी हो गया। ये देखिए गाइस ऐसे ही करते करते हम बाकी के जितना है हमारा ये मिक्सचर उसके हम लड्डू बना लेते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से ये बन रहा है, और आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी बॉल्स बना सकते हैं। ये देखिए गाइस मैं यहाँ मीडियम साइज लड्डू बना रही हूँ। तो देखिए गाइस मेरे बेसन चूरमा लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। ये मैंने टोटल 30 बनाए थे, जिसमें से बनाते बनाते मैं 3 ऑलरेडी खा चुकी हूँ। तो गाइस इतने यम्मी ये टेस्टी बने हैं, तो अभी ये 27 बने हैं। तो गाइस ये देखिए मैं आपको एक बीच में से तोड़ के भी बता देती हूँ। ये देखिए गाइस अंदर सारे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपको दिख रहे होंगे साफ साफ। ये देखिए गाइस ना मॉइस्ट, और देखिए मॉइस्ट बना है ये। इसको दोबारा से मैं एक लड्डू की शेप में बना लूंगी, अभी ये ताज़े ही हैं। देखिए गाइस ये दोबारा से एक लड्डू की शेप में बन चुका है। तो गाइस अगर आपको मेरी ये चूरमा बेसन लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो पर जाके लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को,
और ये गाइस दिवाली के लिए बेस्ट लड्डू है, वो आप बना सकते हैं। बाहर की मिठाई आप अवॉइड कर सकते हैं और इसको घर पे बनाइए। अगर आप बेसन के लड्डू बनाते हैं और आपके कहीं सही नहीं बनते, कई बार जैसे या ज्यादा जल जाते हैं या कच्चे रह जाते हैं, तो गाइस इस टेक्निक से आप बेसन लड्डू भी बना सकते हैं।